चलिए भाई, होप मैं आप लोगों को क्लियर होऊंगा। तो आज हम आपको प्रेजेंट कर देते हैं करंट अफेयर का अगला सेट। देखिए, बहुत सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट कर रखे हैं, ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इसमें आपको मैं बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। तो देखिए, किसके द्वारा किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी। आई थिंक सबको ही पता होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार जी हैं। बिहार से देखिए कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पूछा गया आपको कहाँ पे है, तो वो बिहार में। लेइंग, ध्यान रखिएगा, लेइंग स्टैचू, लेटा हुआ बुद्ध जी का मूर्ति बनाया जा रहा है, तो लेइंग स्टैचू पूछा जाएगा वो कहाँ पे है, वो भी आपका बिहार में ही हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि बिहार के GI टैग्स पूछा जाए, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होते हैं, जो वहाँ के भौगोलिक संकेत होते हैं, जो कि वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको 10 साल के लिए लाइसेंस दिया जाता है, 10 साल की ड्यूरेबिलिटी दी जाती है कि इतने साल तक, मतलब वैसे होते तो वो वहीं के हैं, लेकिन उनको दिखाया जाता है कि 10 साल तक इनको लाइसेंस मिला हुआ, अगर कोई क्लेम नहीं करता तो ये आगे भी रिन्यू हो जाएगा। तो GI टैग पूछा जाएगा, तो कटारनी राइस हो गया कहाँ का, तो बिहार का दिया गया GI टैग। उसके अलावा शाही लीची हो गया, कहाँ का GI टैग दिया गया, तो बिहार का GI टैग दिया गया। उसके अलावा मधुबनी पेंटिंग हो गया, कहाँ का GI टैग दिया गया, तो बिहार का ही GI टैग दिया गया। उसके अलावा जरदालू आम पूछा जाएगा, जरदालू मैंगो को भी यहीं का GI टैग दिया गया। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मगही पान भी ध्यान रखिएगा, मगही पान भी आपको पूछा जा सकता है, इसको भी GI टैग दिया गया, कहाँ का, तो बिहार का दिया गया। प्लस बिहार में हम बिहुला फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा फेस्टिवल, तो बिहुला फेस्टिवल हम बिहार में ही सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में मेगा हेल्थ फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लक्षद्वीप या पुडुचेरी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुडुचेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा मेगा हेल्थ फेस्टिवल। अगर पूछा जाएगा हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो वो हो जाएंगे मनसुख मंडाविया। अगर पूछा जाता है आपको वो कौन हो जाएंगे, तो मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। वहीं अगर पूछा जाएगा कि हेल्थ हमारी जो है कि हेल्थ इंडेक्स कितनी है, तो वो हो जाएगी 66। हेल्थ सिक्योरिटी पूछा जाएगा तो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 66। आगे बढ़ते हैं, संघाई सहयोग संगठन ने भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी को अपना 8 अजूबों की SCO सूची में शामिल किया, वह किस राज्य से स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आपका पूछा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में, तो सबसे पहले तो गुजरात में, चारों ऑप्शन गुजरात ही दिया गया, तो वो हो जाएगा केवड़िया। ध्यान रखिएगा, केवड़िया का नाम बदल कर, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर कर दिया गया है। तो अगर आपको पूछा जाए कि एकता नगर कहाँ पे है, तो वो गुजरात में। प्लस केवड़िया पहली आपकी ई व्हीकल सिटी भी है, तो अगर पूछा जाए कि ई व्हीकल सिटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी केवड़िया गुजरात, वो भी पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं, लीडर पॉलिटिशियन सिटीजंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, रमेश थमिसमनी, रसीद किदवई, रमेश कुंडला या सोनी भटनागर। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे रसीद किदवई। ठीक है, लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे रसीद किदवई। और उसके अलावा रमेश थमिसमनी की मैंने आपको किताब बताई थी अथर्व, जो कि एक कॉमिक बुक है जो कि धोनी के ऊपर लिखी गई है, तो पूछा जा सकता है, ध्यान दिया होगा आपने कॉमिक बुक के बारे में जो कि धोनी के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रमेश थमिसमनी, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रसीद किदवई। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने सार्वजनिक सेवाओं को की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर या फिर असम। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री मितान, तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, जितना भी मितान करके इंद्रावन मितान या फिर मुख्यमंत्री मितान, ये योजना कहाँ पे चलती है, छत्तीसगढ़। इसके अलावा यहाँ पे गोधन न्याय स्कीम भी, अगर पूछा जाएगा कि गोधन न्याय स्कीम कहाँ चलाई जाती है, तो वो भी छत्तीसगढ़ में ही चलाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको पूछा जाए गोधन न्याय के अलावा, अगर मान लीजिए आपको पूछा जाता है कि कहाँ पे चलाया जाता है आपका गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया, तो गार्बेज कैफे भी कहाँ पे हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा हरेली फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी आपका छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। भूपेश बघेल कौन हो जाएंगे, तो भूपेश बघेल यहाँ के CM साहब हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और अनसुईया उइके गवर्नर, किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महेश नगर हाल्ट कर दिया गया। तो देखिए, मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो राजस्थान है, ठीक है, जिसका नाम बदल करके महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन के अलावा ध्यान रखिएगा, अगर मैं बताऊँ आपको, अलीगढ़ का नाम उत्तर प्रदेश में बदल करके क्या किया जाना है, तो हरिगढ़, जिसकी बात चल रही है, पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था
एकता नगर केवड़िया का। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया, वो भी मैंने आपको बता रखा है, ये भी पूछा जा सकता है आपको, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष चुना गया? देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, सीबीडीटी के जो अध्यक्ष थे ना, वो सीबीडीटी के अध्यक्ष जो चुने गए वो अब चेंज हो गए। पहले संगीता सिंह थी, अब इनकी जगह जो नए आ गए हैं वो हो गए आपके, इनका नाम हो जाएगा नितिन गुप्ता। कौन हो जाएंगे? तो नितिन गुप्ता हो जाएंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। जबकि एनबीएफसी पूछा जाएगा, नेशनल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके चेयरमैन पूछा जाएगा तो प्रसून जोशी, ठीक। और अगर सीईओ पूछा जाएगा तो वो जाएंगे रविंदर भाकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन हो जाएंगे? रविंदर भाकर। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? 139, 140, 142 या 150? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 150। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो वो लॉन्च किया जाता है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की ओर से। और जो है आपका 150 इसकी रैंकिंग हो जाएगी इंडिया की। और पहले नंबर पे कौन सी कंट्री हो जाएगी? वो हो जाएगी नॉर्वे। पूछा जा सकता है आपको, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि बहुत सारी प्लस क्लासेस हैं, तो इस वीडियो के बाद मैं प्लस क्लासेस लेने चला जाऊंगा। और आपको पता है अपन अकेडमी मेरी फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस दोनों ही देख सकते हैं, तो इनका फायदा आप जरूर उठाएगा अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, जिसके बारे में मैं लास्ट में आपको डिटेल्स बताऊंगा। किस प्रधानमंत्री किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया? तो वो किया गया तरुण कपूर को। किसको किया गया है? तरुण कपूर को। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को अभी कुछ कंट्रीज ने, वैसे तो बहुत कंट्रीज ने अवार्ड दिया है, रिसेंट के कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए भूटान ने, हमारे प्रधानमंत्री जी को कौन सा अवार्ड दिया? तो नगदक पेलजी खोरलो अवार्ड दिया। किसको दिया? हमारे प्रधानमंत्री को। प्लस अगर पूछा जाएगा कि दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है, तो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी किसको दिया जाएगा? तो वो भी दिया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री को, जो कि पूछा जा सकता है नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर पूछा जाएगा किंग ऑफ हमाद किसने दिया, तो किंग ऑफ हमाद दिया था बहरीन ने, पूछा जा सकता है आपको, ध्यान रखिएगा। निशाने जो दीन अवार्ड किसने दिया, तो निशाने जो दीन दिया था हमारे प्रधानमंत्री को मालदीव ने, जो कि पूछा जा सकता है। किस राज्य में जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला शुरू करी गई? तो किसके द्वारा शुरू करी गई? तो वो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू करी गई जीवला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के द्वारा जीवला स्कीम शुरू करी गई है जो कैदियों को ऋण देने के लिए, तो लोन फॉर प्रिजनर्स पूछा जा सकता है आपको कहाँ पे, तो यहीं पे। प्लस पूछा जाएगा चलो एप्लीकेशन कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो चलो एप्लीकेशन भी आपका महाराष्ट्र में ही लॉन्च किया गया है। प्लस महापरवाना स्कीम कहाँ चलाई गई? महाराष्ट्र में। महापरवाना के अलावा पूछा जाएगा शिव भोज स्कीम कहाँ चलाई गई, तो वो भी आपकी महाराष्ट्र हो जाएगी। महापरवाना हो गया, शिव भोज हो गया, महापरवाना शिव भोज। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा मी अन्नपूर्णा कहाँ चलाई गई, तो मी अन्नपूर्णा स्कीम भी यहीं चलाई गई, ठीक है। ये देखिए गलत क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अब ये चेंज हो चुका है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना की है, जो राज्य में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य पर एक भंडार के रूप में कार्य करती है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप द इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विच एक्ट्स एज अ रेसिपिरेटरी ऑफ द हेल्थ ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन द स्टेट? कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में ये वेधशाला खोली गई है, ट्राई हॉब खोला गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सीएम कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन हो जाएंगे? गणेशी लाल। प्लस कुछ स्कीम्स मैं बता देता हूँ, गोपा बंधु अगर पूछा जाएगा कहाँ की स्कीम है, गोपा बंधु तो यहीं की हो जाएगी। रक्षक पूछा जाएगा कहाँ का पोर्टल है, यहीं पे। आशीर्वाद अगर पूछा जाएगा कहाँ की स्कीम है, तो यहीं पे हो जाएगी। गोपा बंधु हो गया, रक्षक हो गया, आशीर्वाद हो गया। और पूछा जाएगा आपको कि अब्बास मिशन कहाँ पे चलाया गया था, तो वो भी यहीं पे चलाया गया। ये सब कहाँ की स्कीम्स हो जाएंगे, तो ये सब स्कीम्स हो जाएंगे उड़ीसा की, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। मो प्रतिभा मो जीवन भी ध्यान रखिएगा, मो प्रतिभा मो जीवन ये कहाँ चलाया गया, तो वो भी यहीं पे चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। नासा के उस जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन से विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जीता। रिजवाना हसन, सिनिथिया रसन वेज, फ्रांसिस करिया, करना विलवास का? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे सिंथिया रिस्कवेज, जिनको दिया गया है इस बार का वर्ल्ड फूड अवार्ड, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। जबकि रिजवाना हसन को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो इनको दिया गया वोमेन ऑफ करेज अवार्ड। कौन सा? वोमेन ऑफ करेज अवार्ड। जबकि फ्रांसिस करे को पूछा जाएगा, तो इनको दिया गया है टेम्पलटन अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको
पूछा जा सकता है, जबकि अगर ट्यूरिंग अवार्ड पूछा रहेगा, सॉरी टिम्बरटन अवार्ड इनको दिया गया, अगर आपको प्रिट्जकर अवार्ड पूछा रहेगा तो वो फ्रैंक विल्चेक को दिया गया है, वो भी ध्यान रखिएगा, और कैरोलिना बिलवास्का को पूछा रहेगा तो इनको चुना गया इस बार मिस वर्ल्ड, ठीक है। मनसुख मंडाविया ने 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ किया, तो वो क्या केवड़िया गुजरात में, कहाँ पे किया, केवड़िया गुजरात। सिक्किम राज्य और पूर्वी नेपाल की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित तीसरे सबसे पर्वत ऊंचे पर्वत कंचनजंगा पर चढ़ने के बाद 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटी को फतेह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी, आंचल ठाकुर, अनाहत सिंह, जानवी डोगती या प्रियंका मोहिते। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगी प्रियंका मोहिते, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने पारंपरिक दक्षिणा पूर्व रिज मार्ग के साथ रिकॉर्ड 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पे फतह प्राप्त करी हो, तो वो कौन हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगे आपकी वो कौन हो जाएंगे, कामी रीता, ये भी पूछा जा सकता है आपको। किसने 2022 में उद्घाटन मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता, तो किसने जीता, तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, ठीक है। किस देश के कार्लोस अल्कराज गर्फिया ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे किस देश का पूछा गया है यहाँ पे, तो वो हो जाएंगे स्पेन के, ठीक है। कार्लोस अल्कराज कहाँ के हो जाएंगे, तो वो जाएंगे स्पेन के। अयोध्या में एक प्रमुख चौराहे पर विकास और नामकरण निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया जाएगा, तो देखिए अयोध्या में एक प्रमुख चौराहा जो है वो लता मंगेशकर जी के नाम किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने राम भक्ति पे बहुत सारे गाने गाए हैं और उनके डिवोशन को देखते हुए वो किया जाएगा लता मंगेशकर जी को, ध्यान रखिएगा 2001 में उनको भारत रत्न दिया गया था, पूछा जा सकता है ये भी। भारत के पहले जैविक कचरे से संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया मुंबई महाराष्ट्र में, ईवी चार्जिंग स्टेशन पूछा जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे कौन हो जाएंगे, तो एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हो जाएंगे, जबकि गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, भगत सिंह कोश्यारी, गवर्नर पूछा जाता है तो वो कौन हो जाएंगे, भगत सिंह कोश्यारी। किसे भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया, सुशील चंद्रा, अरविंद पनगड़िया, सुमन बेरी या फिर राजीव कुमार, तो कौन हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, तो अगले हो जाएंगे राजीव कुमार, किसको किया गया, तो राजीव कुमार जी को किया गया। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की पार्टियों के सम्मेलन का 15वां सत्र किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो वो कहाँ किया जाएगा, कोटे डी आइवर में, ध्यान रखिएगा कहाँ किया जाएगा, कोटे डी आइवर में किया जाएगा, जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। 5 बार श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में, देखिए ये प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ का आप कर लीजिएगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही रानिल विक्रम सिंह है, ठीक है। जबकि अगर पूछा जाएगा प्रधानमंत्री कौन है, तो वो चुना गया है आपका विष्णुवर्धन करके, सॉरी गुणरत्न गुणवर्धन करके उनको चुना गया, गुणवर्धन करके। मणिक शाह को निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो मणिक शाह मुख्यमंत्री बने हैं त्रिपुरा के, मणिक शाह कहाँ के बने, त्रिपुरा के। त्रिपुरा का होजागिरी डांस फॉर्म बहुत ज्यादा फेमस है, तो पूछा जा सकता है होजागिरी, प्लस यहाँ पे एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम भी चलाई गई थी, एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम कहाँ चलाई गई थी, तो यहीं चलाई गई थी। हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, हैदराबाद, गोरखपुर, कानपुर या मेरठ, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फॉरेंसिक पूछा गया आपका, तो ये क्या गया आपका हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा कहाँ पे क्या गया, हैदराबाद में, हैदराबाद में ध्यान रखिएगा बायो ब्रिक बिल्डिंग भी बनाई गई, तो बायो ब्रिक बिल्डिंग पूछा जाएगा कहाँ पे, तो वो हैदराबाद ही हो जाएगा। किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अनुसूचित किया गया, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना, तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामगढ़ विषधारी, तो वो हो जाएगा राजस्थान, कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। तो ये आज के करंट के कुछ क्वेश्चंस थे, इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको जो है कि शाम को 9:30 बजे भी क्लास है हमारी, 9:30 बजे वाली क्लास में मैं आपको रात को, वो लाइव सेशन है जो तकरीबन 1 से 1.25 घंटे चलेगी, तो उसमें देखिएगा, उसमें भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारे बैच कोर्सेज आपके लिए अकेडमी पर चला गया उनको जरूर देखिएगा, और memories@14 कोड का यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आपको चाहिए होगा, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।